हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दिवाली भी अच्छे से बीता होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगो ट्रिगो जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगोनमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ना है हमें, और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि त्रिगो में बेसिक चीज से लेके चाहे जो भी आप बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, ट्रिगोनमेट्री आपको तभी आ पाएगा जब आप समकोण त्रिभुज की जानकारी रखते हो। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज की जानकारी हम लोग ले लें। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की मदद से हमें जानना क्या क्या है, इसमें तीन चीज होता है। पहला आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, और कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। आधार, कर्ण और लंब, ये तीन इसमें होता है। लेकिन इसमें एक चीज फंस जाता है कि लंब आखिर ये फिक्स है या अलग हो सकता है। तो देखिए, इसमें हम लोग थीटा के बेस पे लंब को डिसाइड करते हैं। यदि हम थीटा इसको लें तो ये लंब हमारा सही है, यानी यहां पे अगर आप खड़े होकर देखते हैं इस एंगल से तो ये आपका लंब है। लेकिन अगर फिगर आपको ऐसा मिल जाए, PQR और ये कोई 90 डिग्री हो और ये वाला थीटा डिग्री हो, तब लंब ये हो जाता है और ये कर्ण का कर्ण ही रहता है और ये आधार हो जाता है। यानी कि थीटा के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा लंब कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं थीटा यहाँ था तो लंब ये हो गया, थीटा यहाँ था तो लंब ये वाला हो गया। इसमें समझने के लिए इसलिए जरूरी है ये चीज, क्योंकि कभी कभी होता है टेन ए टेन सी साइन बी ऐसा करके पूछ देता है और आप वहां फंस जाते हैं। लेकिन फंसना नहीं है, आपको ध्यान रखना है जिस एंगल से आपको मेजरमेंट करने के लिए कहा जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा और आधार जो बच जाएगा सो आधार हो जाएगा, ठीक है? या थीटा से सटे हुए जो लाइन होगा वो हमारा आधार होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। यहां भी देखिए, थीटा के सामने ये लंब था, यहाँ थीटा के सामने ये लंब था, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है ना? तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको पहले भी बताया था, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ये इसका रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था और अभी इसमें भी इसका जरूरत है, आगे चल के फिर जरूरत पड़ेगा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ रेशियोज, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है। तो छह रेशियो हमें पढ़ना है, साइन थीटा, पी बाई एच यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा यानी बी बाई एच यानी आधार बटे कर्ण, टैन थीटा यानी पी बाई बी यानी लंब बटे आधार, चौथा है कॉसेक थीटा यानी एच बाई पी यानी कर्ण बटे लंब, पांचवा है सेक थीटा यानी एच बाई बी यानी कर्ण बटे आधार, और छठा है कॉट थीटा
यानी बी बाई पी यानी आधार बटे लंब। ये छह रेशियोज हैं। इस छह रेशियोज की मदद से जो बेसिक क्वेश्चन होगा उसको हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग करेंगे। साइन थीटा डी वाई एच लंब बटे कट, कॉस थीटा डी वाई एच आधार बटे कट, टैन थीटा पी वाई बी यानी लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा एच वाई पी यानी कर्ण बटे लंब, सेक थीटा यानी एच वाई पी यानी कि कर्ण कर्ण बटे आधार, और कॉ थीटा बी वाई पी यानी आधार बटे लंब। ये छह रेशियोज हैं, ये छह रेशियोज हमें याद रखना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। इसके मदद से हमें आगे का फॉर्मूला भी डिराइव करना है। अब हमने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। हमने आपको बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। छह रेशियोज तो पढ़ ही लिए, साथ में कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे कर्ण यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। यदि हम सबको एच से भाग कर दें, सबको हम एच से भाग कर दें, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच का होल स्क्वायर, या बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखिए ये तो कैंसिल होके वन हो जाएगा, और बी वाई एच हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और पी वाई एच क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां से भी हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि तो आगे इसका यूज होगा। इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मेन फॉर्मूला ये है जो कि आपको याद रखना है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसी को अगर हम बी स्क्वायर से भाग कर दें, बी स्क्वायर से इधर भी, बी स्क्वायर से इधर भी, बी स्क्वायर से इधर भी, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर एच बाई बी यानी कि सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पी वाई बी टेन होता है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि यहां से अगर इसको हम इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। देयर फोर ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से डिराइव हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कैसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन मेन फॉर्मूला ये है, आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये मेन फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। हमने एच से भाग कर लिया, बी से भाग कर लिया, अब बारी है पी की, तो हम लोग पी से भाग करते हैं। यानी कि यहाँ अगर हम पी स्क्वायर से भाग कर दें, यहाँ भी पी स्क्वायर से, यहाँ भी पी स्क्वायर से, तो एच बाई पी क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा। एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। बी बाई पी हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कट के वन हो जाएगा।
यानी अगर इसको हम इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगर इसको और अगर डिराइव किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी को अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से दो फॉर्मूला और इससे निकल के आ गया, लेकिन मेन फॉर्मूला हमारा ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जो कि आपको याद रखना है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। छह रेशियोज और ये तीन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये छह और तीन नौ फॉर्मूला आप लोग अच्छे से रट जाएंगे, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये एंगल ये वाला सी है, नाम कुछ चेंज है, नाम कुछ इस तरह से है ए बी और सी, ये एंगल सी है और ये एंगल ए है। और हमसे पूछा गया है, पहला में पूछा गया है साइन ए का मान निकालिए, साइन ए इक्वल टू व्हाट, और दूसरा पूछा गया है हमसे साइन सी का मान निकालिए, साइन सी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक साइन ए है, एंगल ए का मान पूछा गया है, और दूसरा साइन सी पूछा गया है। तो हमें क्या पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटे कर्ण। अब यहाँ मैटर फंसेगा क्या कि लंब दिया हुआ है और साइन ए पूछा है एक बार साइन सी पूछा है, तो हर बार हम लंब ये नहीं ले सकते हैं। अभी हमें थोड़ा देर पहले बताया कि हर बार हम लंब ये नहीं ले सकते, लंब जो है वो थीटा डिसाइड करता है, एंगल डिसाइड करता है। तो एंगल यहां पर डिसाइड करेगा, तो थीटा की जगह अगर हम साइन ए रखते हैं तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन ए हमारा यहाँ है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा यानी कि बीसी, बीसी हमारा लंब होगा, और कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण हमारा एसी हो जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण जो है हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ये बीसी बाई एसी। माफ कीजिएगा, हमने इसमें इसका लेंथ नहीं लिखा है, लेंथ ये 7 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग बनाएंगे 7 24। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, क्योंकि कर्ण हमको मालूम नहीं है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। सात चौबीस दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर लंब आधार कितना है 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यानी 576 और 49, 576 जोड़ 49 यानी कि ये हो जाएगा 625। तो कर्ण जब निकालेंगे, ये तो कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625 यानी कि 25 × 25 = 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा कर्ण जो निकल गया वो 25 सेंटीमीटर निकल गया, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हम यहां से तीनों चीज चूंकि मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी, यहाँ लंब आधार कर्ण बोलना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों भुजा मालूम चल गया, क्योंकि हम डिसाइड अभी नहीं कर सकते हैं जब तक हमें एंगल ना मालूम हो। तो देखिए अब यहां से हमें साइन ए और साइन सी का मान निकालना है, तो साइन ए का जब मान निकालेंगे तो साइन ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। अब देखिए यहाँ साइन ए, तो इसके सामने जो भुजा होगा वो लंब होगा, यानी कि हमारा लंब कौन होगा बी सी, और कर्ण तो सेम रहेगा ए सी। अब देखिए बी सी कितना है हमारा, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 7/25, 7/25 हमारा राइट आंसर होगा, द राइट आंसर विल बी 7/25। अब हमसे पूछा गया है साइन सी, साइन सी यानी पी बाई एच। अब यहाँ पे लंब देखना होगा, तो
एंगल, इस एंगल के लिए पूछा जा रहा है आपसे साइन सी के लिए, तो एंगल सी ये है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, यानी कि ए बी लंब हो जाएगा और एच हमारा वही रहेगा, यानी 24/25 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको डिफाइन करना होगा, निकालना पड़ेगा। एक बार मैं फिर बता दे रहा, साइन सी वाला, साइन सी यहाँ पे एंगल, चूंकि साइन सी ए वाला एंगल की बात कर रहा है, तो हम साइन सी जब निकालेंगे तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार जो है वो लंब हो जाएगा, इसलिए हमने ए बी को लंब लिया और ए सी को कर्ण लिया, तो 24/25 हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, पी आर जो हमारा है वो 13 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा है कि टेन पी माइनस कॉट आर क्या होगा, टेन पी माइनस कॉट आर। मैं आपके बुक का ही क्वेश्चन करा रहा, 10th वाले लोग जितने भी हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी कह रहा हूं, 3-4 महीने रह गए हैं, मेरा पूरा प्रयास होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाए। ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो टेन पी माइनस कॉट आर आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले देखिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। तो हमारा एक चीज यहाँ मालूम नहीं है, क्यू आर साइड हमको मालूम नहीं है, है ना, एंगल पी और एंगल आर दे दिया है, ये एंगल पी है, ये एंगल आर है, और हमसे पूछा गया है टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी और कॉट आर तब निकलेगा जब हमें तीनों साइड मालूम हो, यानी क्यू आर हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये पता है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, कर्ण हमें मालूम है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहां से लंब जो मिलेगा वो मिलेगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 बराबर 25 बराबर 5 × 5 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है टेन पी और कॉट आर। टेन पी और कॉट आर हमें निकालना है, तो टेन पी निकालते हैं, टेन पी, टेन पी क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या हो जाएगा, पी पूछ रहा है ना, तो पी के सामने यानी क्यू आर, क्यू आर बाय आधार हमारा 12 सेंटीमीटर यानी कि पी आर पी क्यू हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बाई पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, यानी बी बाई पी यानी कि आधार बटे लंब, ये हमारा आधार। अब आर कॉट आर पूछा है, तो इसके सामने जो साइड होगा ये लंब हो जाएगा, यानी कि लंब 12 और आधार 5। अब हमसे पूछा गया है फाइनली क्वेश्चन में कि टेन पी माइनस कॉट आर क्या होगा, देखिए टेन पी कितना आया 5/12 माइनस कॉट आर कितना आया 5/12, दोनों घटाएंगे ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा एंगल बेस्ड होगा, यानी एंगल का कुछ मान दिया होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होगा, वो करना पड़ेगा। तो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। कुछ एंगल्स का मान आपको याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2 और साइन 91। उसी तरीके से आगे देख लेते हैं, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। टेन का अगर मान देखिए तो टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 इनफाइनाइट। कॉसेक का मान देखिए तो कॉस 0 इनफाइनाइट हो जाता है अपरिभाषित, 2√2, 2/√3, 1, 1, 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। और कॉट का देख ले तो इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। ये मान आपको याद रखना है, साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 91, कॉस 0, 1, कॉस 30, √3/2, कॉस 45, 1/√2, कॉस 60, 1/2, कॉस 90, 0, टेन 0, 0, टेन 30, 1/√3, टेन 45, 1, टेन 60, √3, टेन 90, इन्फिनेटिव। कॉसेक 0, इन्फिनेटिव, कॉस 32, कॉस 45, √2, कॉस 60, 2/√3, कॉस 91, sec 0, 1, sec 30, √2/√3, sec 45, √2, sec 62, sec 90, इन्फिनेटिव। cot 0, इन्फिनेटिव, cot 30, √3, cot 45, 1, cot 60, 1/√3 और cot 90, 0। इस तरह से ये आपको मान याद रखना है, बेसिक आपको तीन मान याद रखना है। अगर तीन चीजों का मान आप याद रखते हैं, sin, cos, tan का, तो बाद बाकी का उल्टा करके भी आप सारा याद रख सकते हैं। जैसे आप देखिए, साइन 0 0 है और यहां से सीधा चलेंगे 0 से 1 तक, इधर रिवर्स चलेंगे 0 से लेके 1 तक, इस तरह से अपोजिट करके भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको तीन कम से कम याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन, ऐसे याद तो सब होना चाहिए बट तीन कम से कम आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, टेन 60 अपॉन साइन 60 प्लस कॉस 30, इसका मान निकालना है। इसका आपको मान बोला गया है निकालने के लिए। यदि आपको मान याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। टेन 60 जो हमारा होता है वो √3 होता है, साइन 60 जो होता है वो हमारा √3/2 होता है।
कॉस 30, कॉस 30 जो हमारा होता है वो होता है रूट 3 बाई टू। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कट जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, यानी वन हमारा आंसर आ जाएगा। वन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉट 30 अपॉन साइन 60 प्लस कॉस 60। तो आपको याद होना चाहिए कॉस 30 का मान, याद होना चाहिए साइन 60 कॉस 60 का मान, याद होना चाहिए। कॉस 30 जो होता है हमारा वो रूट थ्री होता है, रूट थ्री अपॉन साइन 60 जो होता है वो रूट थ्री बाई टू होता है, और कॉस 60 जो होता है वो वन बाई टू होता है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री प्लस वन, यानी ये ऊपर चला जाएगा, टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस वन, बट ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्यों आंसर नहीं होगा? नीचे में रूट नहीं रख सकते हैं, नीचे में कभी भी रूट को नहीं छोड़ा जाता है। जी हाँ, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं? नीचे वाले का अपोजिट लेकर, रूट थ्री प्लस वन है तो रूट थ्री माइनस वन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे इस तरीके से। तो गुना करिए, टू रूट थ्री से रूट थ्री में गुना करिएगा, सिक्स आ जाएगा, माइनस टू रूट थ्री अपॉन, इसको गुना करिएगा आप, रूट थ्री थ्री माइनस वन, यानी कि यहां से टू निकाल सकते हैं, तो थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कट जाएगा, थ्री माइनस रूट थ्री हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन एंगल बेस्ड कैसे बनता है, यानी एंगल के मान पे क्वेश्चन कैसे होता है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं सारा एक्सरसाइज करके क्वेश्चन करा दूंगा बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, ठीक है? लेकिन आप लोग खुद से प्रयास करिए, सारा एक्सरसाइज बनाइए। कोई डाउट अगर रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर ये फंस गया है, तो या फिर क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो जो क्वेश्चन होगा मैं बोर्ड पे करा दूंगा। फिलहाल ट्रिगो में अभी इतना ही देखते हैं, इसका अगला जो टॉपिक होगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।